और अब खबर ये, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुबारक सानी केस में मुतनाज़ा पैराग्राफ हजफ करने पर मौलाना फजलुर रहमान की काम को मुबारकबाद। आज बरोज जुमे को यौम तशक्कुल मनाने का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत और अपोजिशन ही नहीं, चीफ जस्टिस भी इस फैसले पर मुबारक के मुस्तहिक हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने कादियानी मुबारकसानी मुकदमे के हतमी फैसले को अनाउंस किया है और उन्होंने गुज़श्ता फैसले जो उनके तमाम काबिल एतराज़ हिस्सों को हज़्फ़ कर दिया है। मैं बहुत बड़ी कामयाबी पर पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूं। इस सिलसिले में मैं ऐलान करता हूं, यौम जुमा को बतौर यौम तशक्कुर मनाया जाएगा और आज सुप्रीम कोर्ट पर तमाम मकादम फ़िक्र के जो उलमाए किराम शरीक हुए और उन्होंने जिस यकजहती अपना मौकफ दिया और सुप्रीम कोर्ट को अपने मौकफ के हवाले से कायल किया, ये सब काबिल एहतराम हैं और मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। हुकूमत और अपोजिशन ऐवान के अंदर भी एक पेज पे थे इस मसले पर, सब मुबारकबाद के मुस्तहिक। आज ये जमात जो है ये मगरिब का खुदकार सा पौधा है तो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। जिस तरह इसराइल उनके लिए बस नाजायज भी है तो उनका बच्चा है। इस दुनिया को हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि या तो आप बुनियादी बैनुल अक़वामी मुसलमा उसूलों को तस्लीम करें और अक्सरियत को सपोर्ट करें और या फिर कह दें कि हमारे नजदीक इन चीजों की कोई अहमियत नहीं है, हम सिर्फ अपने मुफादात के ताबे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।